अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन एंड ब्यूटी एक्सपर्ट। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खुश होंगे। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं हम आज की अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज आप लोगों के लिए डिफरेंट सी वीडियो लेके आई हूँ, आपके बच्चों के लिए, आपके किड्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लेके आई हूँ, बहुत ही डिफरेंट सी वीडियो लेके आई हूँ। बिकॉज कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाई में दिल नहीं करता, वो कहते हैं हमने नहीं पढ़ना, ना स्कूल जाना है, ना हम लोगों ने सबक याद करना है, हम लोगों ने नहीं पढ़ना। तो पेरेंट्स को चाहिए कि उनके लिए हल्की फुल्की सी डेकोरेशन का इंतज़ाम करें, उनके रूम में ऐसी चीज़ें जो हैं वो यूज़ की जाएँ ताकि बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो स्टडी में जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। सो आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बच्चों के लिए स्टडी रूम्स जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि किस तरह से आप लोग अपने बच्चे के लिए एक स्टडी रूम जो है वो अलग से बना सकते हैं, उसमें कौन कौन सी एक्सेसरीज़ रख सकते हैं, कौन कौन सी डेकोरेशन आप कर सकते हैं, कैबिनेट कैसे बना सकते हैं, चेयर आप लोगों ने कौन सी लगानी है, लैंप आप लोगों ने कौन सा लगाना है, टेबल आप लोगों ने कौन सा लगाना है, कंप्यूटर आप लोगों ने उसमें किस तरह से एडजस्ट करना है, रूम जो है उसका कलर किस तरह का होना चाहिए, वॉल्स का कलर किस तरह से होना चाहिए। सो ये सारी जो एडजस्टमेंट है आप लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। आप लोग कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों का स्टडी रूम जो है वो एक अलग से बना दें, आपके बच्चों में स्टडी का इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ लगा जो घंटी का आइकन है उसको जरूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आप लोगों तक आसानी से पहुँचती रहे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोगों को किस किस्म की फैशन के अपडेट्स चाहिए, किस किस्म की ब्यूटी टिप्स चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए वैसी ही फैशन के अपडेट्स एंड वैसी ही ब्यूटी टिप्स लेके आऊँगी। बिकॉज मेरे चैनल पे आप लोगों को देखने के लिए मिलता है हर किस्म का फैशन, हर किस्म की ब्यूटी टिप्स, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, इवन के मच मोर। सो डियर फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म के स्टडी रूम्स की डेकोरेशन जो है स्पेशली आपके बच्चों के लिए मैं लेके आई हूँ, बहुत प्यारे प्यारे। इसमें ये देखने कितना ज़बरदस्त किस्म का रूम जो है एडजस्ट किया गया है। अगर आपका बच्चे का पढ़ाई का दिल नहीं भी करेगा, वो बोलेगा मैंने नहीं पढ़ना, लेकिन जब अपने स्टडी रूम में जाएगा, ये तमाम चीज़ें डेकोरेशन देके उसका दिल करेगा कि ये इन तमाम चीज़ों को वो टच करे, इन बुक्स को वो टच करे, इनको पढ़े वो। तो आप लोग ऐसी डिज़ाइनिंग करें, ऐसी एडजस्टमेंट बनाएं उस रूम में कि आपका बच्चे का दिल ना भी करे देन भी उस रूम में जाए। जब आपका बच्चा जो है स्टडी रूम में जाएगा तो उसका इंटरेस्ट जो है वो स्टडी में बढ़ जाएगा। सो कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उनकी बेहतर तालीम के लिए, उनके लिए एक अलग से जो है एजुकेशन के लिए आप लोग रूम बनाएं, रूम को डेकोरेट कीजिए एंड अच्छे अच्छे उसमें आप लोग टॉयज भी रख सकते हैं, कैबिनेट अच्छे लगवा सकते हैं, कलर्स जो है यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि इसमें आप लोगों के पास है मल्टी कलर्स का, जब डार्क कलर आप लोग यूज़ करवाएंगे तो आपके बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो स्टडी में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे जैसे वो वहाँ पे जाके बैठना शुरू होगा तो स्टडी की तरफ भी वो ज़्यादा ध्यान देगा। सो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने इस वीडियो को जो है वो फुल वॉच करना है। सो एक और चीज़, मेरे एक और भी चैनल है एजुकेशन विद स्पेशलिस्ट टीचर। अगर आप लोग टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को हर क्लास के एजुकेशनल लेक्चर्स आप लोगों के लिए वहाँ पर अवेलेबल हैं, हर क्लास के एजुकेशनल लेक्चर्स आप लोगों को मिलेंगे, आप लोगों की स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। सो डियर फ्रेंड्स, मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। सो ये वाला देख सकते हैं आप लोग, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लाइट कलर अच्छे लगते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डार्क कलर अच्छे लगते हैं। सो पेरेंट्स को बच्चों की पसंद नापसंद के बारे में पता होता है। सो डियर फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने बच्चे के रूम की एडजस्टमेंट कीजिए, उनके लिए स्टडी रूम बनाइए, अलग से बनाइए, उनका सोने वाला रूम जो है वो अलग बनाएं, उनके स्टडी रूम जो है वो उनके लिए अलग से बनाएं। आप लोग अपने बच्चे के लिए स्टडी के लिए टाइम जो है वो फिक्स कर दें आप, ताकि आपका बच्चा स्टडी रूम में जाए, डिस्टर्ब ना हो, आप लोग उसको बुलाएं नहीं स्टडी के दौरान, बिकॉज यू नो के स्टडी जो है आजकल के दौर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे जैसे आपके बच्चे का इंटरेस्ट जो है स्टडी में बढ़ेगा, उसके मार्क्स जो हैं वो भी अच्छे आएंगे, आप लोग भी अपने बच्चे से सेटिस्फाइड होंगे, आप लोगों का बच्चा जो है वो टॉप करेगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का रूम जो है स्टडी रूम डेकोरेट किया गया है, ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का, इसमें मल्टी कलर्स यूज़ किए गए हैं। तो अगर आपके बच्चे का दिल नहीं भी करेगा पढ़ने का, तो ऐसे रूम को जब वो देखेगा तो उसमें जाएगा शौक़ से, जब शौक़ से जाएगा तो वहाँ पे बुक्स को भी वो यूज़ करेगा, पढ़ेगा, तो आप लोगों के बच्ची है उसका इंटरेस्ट जो है वो स्टडी में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो वो स्टडी में इंटरेस्ट लेगा। सो डियर फ्रेंड्स, ये वाला आप लोग रूम देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त किस्म का रूम है। आप अपने बच्चे की पसंद के अकॉर्डिंग वहाँ पर कलर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, वॉल्स का कलर बना सकते हैं, मुख्तलिफ जो आप लोग डेकोरेशन कर सकते हैं। इन एक छोटी सी वीडियो में आप लोगों को अपने बच्चों के लिए एजुकेशन का रूम बनाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे। सो आप लोगों को यहाँ से जो भी बच्चे का एजुकेशनल रूम जो है वो अच्छा लगता है, जो भी डिज़ाइन आप लोगों को अच्छा लगता है रूम का, आप लोग उसको स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। स्क्रीन शॉट लेने के बाद सेम वैसा ही डिज़ाइन आप अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए, स्टडी के लिए आप लोग सेम वैसा ही डिज़ाइन आप लोग अलग से बना सकते हैं, बहुत ही प्यारे एंड यूनिक किस्म के। इसमें आप लोगों के पास आपके बच्चे का स्टडी रूम के जो डिज़ाइन है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। सो इसमें मैं आप लोगों के लिए 60+ आपके बच्चे के स्टडी रूम के डिज़ाइन जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। इसमें अवेलेबल
करना है। सो आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है एंड अपने बच्चे की स्टडी के लिए, उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए आप लोगों ने रूम की डेकोरेशन जो है वो सेम ऐसे ही करवानी है। सो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर याद दिला दूँ, प्लीज़ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ लगा जो घंटी का आइकन है उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आप लोगों तक आसानी से पहुँचती रहे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोगों को किस किस्म की फैशन के अपडेट्स चाहिए, किस किस्म की ब्यूटी टिप्स चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए वैसे ही फैशन के अपडेट्स एंड वैसे ही ब्यूटी टिप्स लेके आऊँगी, बिकॉज मेरे चैनल पे आप लोगों को देखने के लिए मिलता है हर किस्म का फैशन। सो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।